झारखंड में 1932 के खतियान से सरकारी नौकरी में प्राथमिकता स्थानीय नीति पर आर पार। 1932 का खतियान लागू होने से राज्य सरकार की नौकरियों तृतीय और चतुर्थ वर्ग के अधिकाधिक स्थानीय लोगों की बहाली सुनिश्चित होगी और राज्य से बाहर के लोगों को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। नमस्कार जोहार, आज हम लोग जाएंगे स्टील गेट से रैली है क्या कहते हैं रणधीर वर्मा चौक पर। हमारे जयराम भैया आ रहे हैं, तो बात कुछ ऐसा है कि रैली में हम इसलिए जा रहे हैं कि ये झारखंड के प्रति एक पहल है, तो इस वजह से जा रहे हैं। और एक रीज़न और भी है कि मम्मी बहन वहाँ पर गई हुई है, ठीक है, साथ में रहना भी है। और ये गमछा इसलिए लगाए हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा देसी लुक आना चाहिए, क्या समझे, ये बात है ना। अब बाकी मम्मी लोग अभी कॉल की थी तो वहीं जाके देखते हैं, बहुत से नोन आए हुए हैं, बहुत से अननोन भी हैं, तो सारे अपने ही। अब हम लोग जा रहे हैं स्टील गेट, वहाँ पे आगे का रैली दिखाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड में कब सबसे पहले खतियान नियम लागू हुआ। वह साल था 1872। अब झारखंड में पहली बार खतियान सर्वे हुआ जिसमें संथाल परगना की जंगलों और खेतों का सर्वे हुआ था। इसके बाद 1922 में जीएफ जंजर के द्वारा संथाल परगना का पहली बार एक संपूर्ण सर्वे हुआ तथा इसी का संशोधन 1932 में किया गया था। बाद में इसका संशोधन 1934 और इसके बाद आखिरी बार 1936 में किया गया था। तब तक झारखंड राज्य की मांग भी उठने लगी थी। झारखंड राज्य की मांग पहली बार 1912 में की गई, तब मांग पहली बार क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जे बार्थोलोमन के द्वारा की गई थी। इस मांग की प्रमुख वजह रही थी कि क्षेत्र के आदिवासियों का, मूलवासियों का हनन हो रहा है। इस मांग की प्रमुख वजह क्रिश्चियन आदिवासियों को नज़र में रख कर किया गया था, क्योंकि 1912 इसमें बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ था। इसी वजह से आदिवासियों की मांग को भी उस वक्त रखा गया था। समय के आगे बढ़ते बढ़ते मांगें और भी, इस मांग की प्रमुख वजह रही थी कि क्षेत्र के आदिवासियों का, मूलवासियों का हनन हो रहा है। इस मांग की प्रमुख वजह क्रिश्चियन आदिवासियों को नज़र में रख कर किया गया था, क्योंकि 1912 इसमें बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ था। इसी वजह से आदिवासियों की मांग को भी उस वक्त रखा गया था। समय के आगे बढ़ते बढ़ते मांगें और भी रखी गई थी, जैसे 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, 1930 में किसान सभा के द्वारा, 1933 में छोटा नागपुर कैथोलियो द्वारा के, 1938 से लेकर 1950 के बीच में यामा छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसका नाम बाद में बदलकर आदिवासी महासभा रख दिया गया था, जो 1939 में किया गया था। वह यह मांग प्रमुखता से 1950 में जयपाल सिंह द्वारा रखा गया था, जिन्होंने झारखंड पार्टी नाम से अपनी एक पार्टी बनाई थी। बाद में इसी आंदोलन के चलते उनकी मृत्यु हो गई।
ब्रेन हैमरेज के कारण। बाद में इतनी झारखंड राज्य की मांग को आगे बढ़ाते हुए 1973 के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का शिबू सोरेन के द्वारा गठन हुआ। शिबू सोरेन की पार्टी का कहना था कि राज्य में 1932 के खतियान लागू होना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का शोषण हुआ है, अधिक हो रहा है, वह अपने परंपरा से दूर होते जा रहे थे। सरकारी क्षेत्र में भी उन्हें जगह नहीं मिलती थी और राज्य में उनकी हक मारी जा रही थी। इसी कारण शिबू सोरेन चाहते थे कि राज्य में आदिवासियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, जिसमें से एक है 1932 का खतियान। और जब झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2002 में हुआ, तब शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता पर नहीं थी। उस वक्त बीजेपी की पार्टी थी, परंतु 2020 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य में गठन हुई, तब वे चाहते थे कि इस पर अब काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि आज भी आदिवासियों की दशा उस लायक नहीं है। आज भी उनका शोषण हो रहा है। झारखंड में आज भी आदिवासी मूलवासी शिक्षा से, नौकरी से और अनेक सरकारी लाभ से दूर है। जेपी नियोजन नीति करने वाला झारखंड कोई पहला राज्य नहीं है। इससे पहले बिहार राज्य में भी नियोजन नीति लागू है, उत्तर प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, और दक्षिण के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में भी यह नियोजन नीति लागू है। पश्चिम बंगाल में भी नियोजन नीति लागू है। हमारे झारखंड राज्य में भी नियोजन नीति है, परंतु उसकी परिभाषा अलग है। इसमें स्थानीय नीति 1885 को कट ऑफ मानकर लागू किया गया है, जो पिछली सरकार द्वारा लिया गया फैसला है। झारखंड सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले में 1932 के खतियान आधारों को स्थानीय नीति माना गया है। सरकार ने इस फैसले में भी स्थानीय तक को परिभाषित नहीं किया है, वह सिर्फ 1985 की ही कट ऑफ को मानकर यह फैसला लागू किया है। राज्य में 13 गैर जनजातियों जिलों में यह फैसला लागू करने का फैसला लिया गया, जबकि झारखंड में पहले 11 जनजाति जिले में स्थानीय नीति लागू थी। अब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, तब से जितने भी सरकार आए हैं, सुनियोजित तरीके से आदिवासियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मूलवासियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब जब आदिवासियों की उनकी स्थानीय नीति 1932 खतियान के आधार पर लागू करने की बात हो रही है, तो इसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? अन्य पार्टियों के द्वारा इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आज आदिवासियों की राज्य में क्या स्थिति है, जबकि 1912 में ही आदिवासी अपनी मांग के लिए लड़ रहे थे। जब उनको यह अधिकार मिला है, तब उन्हें सरकारी नीति के द्वारा आज तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब हम लोग समझते हैं ना, ये आंदोलन, जो भाषाई आंदोलन धनबाद और बुकारो में क्यों इतना व्यापक स्तर में विरोध हो रहा है, सरकार का विरोध क्यों कर रहा है इतना व्यापक स्तर पे। धनबाद, बोकारो से हटकर आप चल जाइए गिरिडीह, डुमरी, रांची, रामगढ़, हर जगह से सरकार का विरोध हो रहा है। अब क्यों विरोध हो रहा है उसको हम लोग यहाँ थोड़ा जानेंगे। हाल में ही जो JSSC है, जो झारखंड कर्मचारी आयोग है, वो यहाँ नौकरी के लिए हम लोग को क्या करता है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो इस बार हुआ क्या है कि यहाँ लोकेलिटी ठीक से तो डिफाइन नहीं है कि यहाँ पे स्थानीय किसको स्थानीय, मतलब कौन झारखंडी है और कौन झारखंडी नहीं है, इसको लेके पहला कन्फ्यूजन है। ऊपर से जो नियोजन नीति आया है वो भी पूरा कन्फ्यूजन पर कर दिया है। उसमें क्या कर दिया है,
कि धनबाद बोकारो जैसा ज़िला में जो यहाँ रीजनल लैंग्वेज खास करके खुट्टा कुरमाली संथाली और भी हम लोग का जो रीजनल लैंग्वेज है उससे भरा पड़ा है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिनिधि को देखते हुए सरकार मतलब अपना वोट बैंक बचाने के लिए वो क्या कर दिया, भोजपुरी मांगही और अंगिका को इसमें शामिल कर दिया है, जो कि धनबाद और बोकारो की भाषा नहीं है, ये भाषा आप चल जाइए बिहार की है और बिहार से सटा हुआ जो झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट है कुछ जिला है वहाँ पे ही सब है, धनबाद बोकारो में इसका कोई नहीं है। और सरकार ने इसका सर्वे किस आधार पे किया है हम लोग कोई पता नहीं, शायद अपना वोट बैंक बचाने के लिए किया है इसी कारण कर दिया है। अब JSSC जो झारखंडी लोग होता है फाइट करता है थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए, और थर्ड और फोर्थ ग्रेड में अगर झारखंडी अपना हक को नहीं मांगेगा तो फिर क्या होगा, इसमें भाषा का अतिक्रमण कैसे हो रहा है, जैसे अभी भोजपुरी मांगी और अंगिका को शामिल कर दिया है तो इसमें क्या होगा ना, जो झारखंड पहले तुम लोग को पता है झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, इसमें आदिवासी जो भी है सब जंगल पहाड़ों में रहने वाला है, उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उन लोग समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह भाषा का अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन आज झारखंड हम लोग को 22 साल का हो गया, 22-23 साल का हो गया है, अब सब कोई युवा यहाँ झारखंड का भी पढ़ने लगा है तो उसको अपना हक का समझ में आ रहा है कि हम लोग बाहरी भाषा जब आएगा अतिक्रमण होगा तो किस तरह उन लोगों को हक मारा जाएगा, ये हम लोग भली बात ही यहाँ का युवा समझ रहा है। अब इसीलिए सरकार का बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ठीक है धनबाद बोकारो में आए तो धनबाद बोकारो में विरोध हो रहा है, अब धनबाद बोकारो के बाहर क्यों विरोध हो रहा है, तो वहाँ इस कारण विरोध हो रहा है कि आज धनबाद बोकारो में ये भाषा आया, फिर धनबाद बोकारो में वो भी किसके कारण आया, सरकार के कारण आया, सरकार तो पता ही किनके अभी गठबंधन सरकार चल रही है, सब अपना वोट बैंक बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, आज धनबाद बोकारो में आया, कल धीरे धीरे ऐसे झारखंड का तमाम जिलों में पहुंच जाएगा, यानी झारखंड का। आइए हम लोग समझते हैं ना झारखंड में बाहरी भाषा का अतिक्रमण कैसे हो सकता है, पूरा दरअसल हम लोग बोल सकते हैं। देखिए हम लोग झारखंड राज्य बना है, मतलब झारखंड क्या, झारखंड के लोग क्या होते हैं, पर्वत में रहते हैं पठारों में रहते हैं, हम लोग का यही है कल्चर यही है, हम लोग मतलब झारखंड का परिभाषा वही ना, झारखंड और झाड़ मतलब झाड़ी मतलब पर्वत हो गया, पठार मतलब यहाँ जहाँ पठार हम लोग को देखने को मिलेगा मतलब पर्वत पठार में रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे बाहरी हम लोग देखेंगे बाहरी भाषा का सिनेमा भी बहुत बड़ा होता है, और सिनेमा का जो असर होता है हम लोग को सभी साहित्य पे पड़ता है, साहित्य मतलब हम लोग को सोसाइटी में आएगा तो हम लोगों को जो भी फैशन वगैरह होगा सब उस कल्चर के अकॉर्डिंग चला जाएगा, तो ऐसे होते हैं ना हम लोग को झारखंडी का खुद का कल्चर ही समाप्त हो जाएगा, खुद का भाषा समाप्त हो जाएगा, और हम लोगों को तो ये पता होना चाहिए अगर किसी कोई भी शहर हो गया कोई भी गांव हो गया कोई भी क्षेत्र हो गया अगर उसका भाषा ही ख़त्म हो गया मतलब उसका कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो अब रहेगा ही नहीं, आदमी रहना या नहीं रहना बात एक ही हो गया। अब हम लोग देखेंगे ना किस तरह पूरा झारखंड में मैंने बाहरी भाषा का अतिक्रमण हो रहा है, जैसे अभी धनबाद बोकारो में मेनली जो सरकार क्या सर्वे किया है क्या नहीं किया है हम लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन मतलब कुछ होता है पर अपना वोट बैंक बचाने के लिए भोजपुरी मांगही और अंगिका को शामिल कर दिया, जो कि या तो बोला ही नहीं जाता है, और झारखंड का सर्वे क्या होता है, सर्वे शहर पे थोड़ी किया जाता है, शहर में तो क्या आता है, चलो एक ये नहीं बोलेंगे कि बिहार राज्य से आदमी आया हुआ है, बहुत सारे आदमी झारखंड के बहुत तमाम भारत के तमाम राज्यों से आए हैं शहर में बैठा हुआ है, तो अब भोजपुरी मांगी को उसमें हम लोग देना तो अलग बात है, ठीक है। जो सर्वे होता है ना शहर की वजह से नहीं बोलते, शहर की आत्मा गाँव पर बसती है, तो कोई भी क्षेत्र है वहाँ का हम लोग जो लोकलिटी है जो मूल निवासी है वहाँ से उस सोसाइटी को उसके अंदर के इतिहास को जानते हैं, कल्चर क्या है भाषा क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, लेकिन यह सरकार अपना वोट बैंक बचाने के लिए मतलब धनबाद बोकारो को भाषाई अतिक्रमण में झोंक दे रही है, और इस तरह होते हुए हम लोग देखेंगे कि धनबाद और बोकारो में इसका विरोध नहीं हो रहा है, आपको एकदम अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जाके इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि कल उनको भी पता रहेगा कि यहाँ से जो यहाँ पे अगर अतिक्रमण हो गया तो धीरे धीरे पूरा झारखंड में फैल जाएगा, तो झारखंड में फैल जाएगा मतलब कि हम लोगों का यहाँ का मूल निवासी का ख़त्म हो जाएगा कल्चर, भाषा ही ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो हम लोग अपना अधिकार के लिए मांग रहे हैं, हम लोग सभी भाषा का क्या करते हैं सम्मान करते हैं, ना ही हम लोग बिहारियों का बिहार मतलब बाहर से जो है उन लोग का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग किसी व्यक्ति या कोई भी धर्म का विरोध कर रहे हैं, कोई भी भाषा के लिए विरोध कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार सरकार से मांग रहे हैं, हम लोगों का हम लोग लड़ाई किससे है, सरकार से है,
क्योंकि सरकार जिस वादे के साथ आई है, हम लोग सत्ता में आई है, उस वादे को पूरा नहीं कर रहा है। ऊपर से ना उसका स्थानीय नीति ठीक से डिफाइन है, ना ही उसका नियोजन नीति ठीक से डिफाइन है। मतलब परिभाषा ही नहीं है कि झारखंडी कौन है। अभी यहाँ जैसे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे क्लास 10 और क्लास 12 पास किया है वो झारखंडी है। ये बताइए, हम कहीं दूसरे स्टेट में चल जाएंगे कहीं, या रिलेटिव में वो चलेंगे दूसरे राज्य में, वहाँ 10th और क्लास 12 अगर हम पास हो जाते हैं तो क्या हम उस राज्य के निवासी होंगे? नहीं। निवासी होने के लिए वहाँ बहुत पुराना हम लोग दादा पुरखों की ज़मीन या खतियान होता है, रहना पड़ता है इस तरह। लेकिन यहाँ पे झारखंड जो सरकार है अपना वोट बैंक कुछ नहीं, वो जिस वादे के साथ आई है उस वादे को पूरा नहीं कर रही, अपना वोट बैंक बचा रही, अपना सत्ता बचाने के लिए झारखंड को अतिक्रमण पे पहुंचा दे रहा है। मतलब ये बोलो कि अब झारखंड राज्य रहेगा ही नहीं। तो हम लोग को लगा था चलिए कि इस बार हम लोग अच्छे को चांस देते हैं, अपना यहाँ मूल निवासी को चांस देंगे, जिसके कारण तमाम झारखंड वासी हेमंत सोरेन को क्या किया, मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन वो यहाँ जस्ट आके उसका उल्टा कर दे रहा है। और इसका प्रमाण हम लोग को ये भीड़ देख के हम लोग को लग रहा है कि कितना विरोध हो रहा है। अब इतना देखिए, तमाम 10,000-20,000 आदमी धनबाद से, धनबाद का भी छोटा जोन है, तमाम धनबाद के तमाम जगहों में धरना प्रदर्शन हो रहा है। मतलब अभी तो ये हम लोग देख रहे हैं सब यात्रा कि यहाँ जोर नहीं है, एकदम बेजोड़ संख्या में ना आदमी आए हुए हैं, आदमी हैं, औरत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं, बहनें, बहुत कोई है सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आज हम लोग विरोध नहीं करें तो हम लोग का आने वाला भविष्य भी खत्म हो जाएगा, हम लोग का संस्कृति खत्म हो जाएगा, कल्चर खत्म हो जाएंगे। जब हम लोग का संस्कृति नहीं रहेगा, भाषा नहीं रहेगा, तो हम लोग रह के क्या करें? हम लोग तो मरा हुआ मतलब जिंदा को समान ही नहीं, हम लोग मरे हुए मुर्दे के समान हो जाएंगे। तो हम लोग अभी निकल रहे इतना भारी, क्योंकि हम लोग अपना हक के लिए निकल रहे हैं, हम लोग सरकार का विरोध करें। बिहारियों, हम लोग बाहरियों से कोई दिक्कत नहीं है, ना बिहारियों से कोई दिक्कत है, हम लोग अपना हक के लिए आ रहे हैं। हम लोग कोई भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग भाषा का विरोध ये कर रहे हैं कि वो भाषा को ज़बरदस्ती यहाँ थोपा ना जाए। धनबाद बोकारो का जो रीजनल लैंग्वेज है उसको रखा जाए, उस भाषा को थोपा ना जाए। मैंने पूरी कोशिश की है इस मुद्दे को अच्छे से पेश करने की, और मैंने बहुत मेहनत किया इस वीडियो में। तो आपको अगर अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जो भी लगा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय झारखंड।